लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। समर्पण, जप का जाप, तप का ताप और आराध्य की आराधना मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। उधर देवर्षि नारद से ध्रुव के वरदान का समाचार सुनकर सुनीति और सुखिया माई की आंखों से हर्ष के आंसू बह निकलते हैं। ध्रुव की सफलता और सुरुचि की क्षमा प्रार्थना से सुनीति भाव विभोर हो जाती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः।
नमः शिवाय। परम शिव भक्त भृगु पुत्र शुक्राचार्य जी आंखें खोले और अपने मित्र को देखी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य पुत्र शनिदेव, आपके भीतर ये महान परिवर्तन देखकर हम स्तब्ध हैं। पिछली बार भी आप ओम नमः शिवाय में मेरा साथ देकर बिना बताए चले गए थे। बताएं मित्र, ये महान परिवर्तन आप में कैसे आया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, जिस प्रकार आपके महान पिता ने आपको प्रेरित कर आपकी तामसिक वृत्तियों का सर्वनाश किया, उसी प्रकार मुझे मेरे पिता की कृपा और भाइयों के उपहार ने तामसिकता का त्याग करने के लिए विवश कर दिया। अर्थात ओम नमः शिवाय। मित्र शुक्राचार्य जी, आपने सदा ही मेरा तामसी और विनाशकारी रूप देखा, इसी कारण आप उसे ही मेरा मूल स्वरूप समझने लगे। किंतु जिसे मानव मात्र के भाग्य का निर्धारण करना हो, उसके भीतर प्रेम, अहिंसा और मित्र भाव का होना परमावश्यक है। सत्य है, सत्य है भाग्य विधाता, सत्य है। किंतु प्रेम भाव, अहिंसावाद और मित्रता का भाव, इन सब की भावना आपके भीतर उजागर कैसे हुई? बताएं शनिदेव। शुक्राचार्य जी, संसार को प्रकाशित करने वाले मेरे पिता सूर्यदेव ने देवर्षि नारद के संकेत तथा परम पिता ब्रह्मा जी के परामर्श पर द्वितीय वर द्वारा श्री विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु जी ने प्रसन्नता के फल स्वरूप मेरे पिता सूर्यदेव को अमृत कलश से युक्त दो पुत्रों का वरदान दिया। मेरे पिता के आदेश पर वे दोनों अश्विनी कुमार मेरे समीप आए। मध्यम भ्राता शनिदेव, अपने दोनों छोटे भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। मध्यम भ्राता शनिदेव, आपके हृदय में हमारे महान पिता के प्रति जो बैर भाव है, उसका त्याग करें। भ्राता श्री, हम आपके सम्मुख यही प्रार्थना लेकर प्रकट हुए हैं। हम आपको यह अमृत कलश भेंट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राता श्री, इससे आपके तन मन और आत्मा को शांति मिलेगी। भ्राता श्री, इसे ग्रहण करते ही आपका अमोघ अस्त्र से आहत चरण पूर्ववत स्वस्थ हो जाएगा। मध्यम भ्राता श्री, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस कारण हम आपके आभारी हैं। आपकी जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। शनिदेव, आप धन्य हैं। शुक्राचार्य जी, वास्तव में आपकी शिव भक्ति तथा ध्रुव की विष्णु भक्ति से हमारे मन में द्वेष, हिंसा और विनाश के स्थान पर प्रेम, अहिंसा और सहयोग के भाव जागृत हुए हैं। हमने निश्चय किया है शुक्राचार्य जी कि अब हम विनाश और विध्वंस का नहीं,
विदुर अपने आराध्यों के मध्य वरदान और कल्याण का मार्ग अपनाएंगे। हाँ शुक्राचार्य जी। सावधान शनिदेव, सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, छलिया देवताओं ने विनाशक शक्तियों के संगठन के विरुद्ध षड्यंत्र का भयानक कुचक्र किया है। सावधान, सावधान। दैत्य सेनापति राहु, तुम किस कुचक्र की ओर संकेत कर रहे हो? आज तो प्रसन्नता का अवसर है, जब विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को अमृत पान के कारण अमरता प्राप्त हुई तथा अमोक के प्रहार से आहत शनिदेव का चरण पूर्ण स्वस्थ हुआ है। हाँ राहु, हाँ, ये देखो। छलिया विष्णु और दुष्ट देवताओं ने ज्ञात होने पर भी कुचक्र को रचा है दैत्य गुरु। भाग्य विधाता शनिदेव का क्रोध विष्णु के संसार में महाप्रलय की भूमिका न रच दे, इसी कारण दुष्ट देवताओं ने इन्हें भाइयों के प्रेम की डोर से बांधने का षड्यंत्र किया है। राहु, तुम्हारे स्वार्थी स्वभाव से हम और संसार भली भांति परिचित हैं, किंतु अब तुम्हारा स्वार्थ चरम सीमा पर पहुंच गया है। तुम्हारे स्वार्थ के कारण तुम्हारे भीतर का विवेक नष्ट हो गया है। तुम किसी के कल्याण और सफलता को अपने स्वार्थ के कारण देख ही नहीं सकते। मेरे बार बार समझाने और सावधान करने के पश्चात भी छलिया विष्णु और दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र के चक्कर में आ गए भाग्य विधाता, और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी आपने उनके कर्तव्यों से विमुख कर दिया। दैत्य सेनापति राहु, मुझे मेरा कर्तव्य भली भांति ज्ञात है। दैत्य गुरु, यदि आपको अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता तो इस प्रकार दैत्य शत्रु विष्णु की कृपा पर प्रसन्न ना हो रहे होते। राहु, अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखो, अन्यथा यह स्वार्थ तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य सेनापति राहु का जितना सर्वनाश होना था वो समुद्र मंथन के पश्चात ही हो गया। अब तो राहु स्वयं ही विष्णु के संसार में सर्वनाश का प्रतीक बन गया है। आप दोनों की शक्तियों के कारण राहु को गर्व था, किंतु यदि आप दोनों भीरुओं की भांति इस संसार को शिव भक्ति और विष्णु भक्ति का संदेश देने में लीन हो जाओगे, तब भी राहु विष्णु के इस संसार में सर्वनाश का बिगुल बजाता रहेगा। दैत्य सेनापति राहु, क्या तुम्हें दैत्यों के आराध्य भगवान शिव के आदेश का स्मरण नहीं, जो उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था? मुझे विष्णु के इस संसार में सर्वनाश के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण नहीं है। भाग्य विधाता, कहें किस आदेश का स्मरण करवा रहे हैं आप? दैत्य सेनापति राहु, भोलेनाथ ने कहा था कि ये सतयुग का भक्तिमय युग है, इसमें प्रयास करने पर भी विध्वंसक शक्तियों को पराजय के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब विध्वंसक शक्तियों के उत्कर्ष का समय आएगा, तब देव आदि देव महादेव स्वयं ही हमें प्रेरित करेंगे। तो क्या आप इस बात के इच्छुक हैं भाग्य विधाता कि शुक्राचार्य की भांति हम भी उसी समय की प्रतीक्षा करें और शिव भक्ति में लीन हो जाएं? यदि तुम ऐसा कर पाते राहु, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता, धन्य। किंतु जब तक तुम्हारे भीतर स्वार्थ का एकमात्र अंश भी शेष है, तब तक तुम शिव भक्ति में लीन नहीं हो पाओगे राहु, नहीं हो पाओगे। मुझे शिव भक्ति में लीन होने की आवश्यकता भी नहीं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने सदा एक दूसरे के मध्य
संधि रखकर दैत्यों, असुरों और राक्षसों का सर्वनाश किया। मैं दैत्य सेनापति राहु उन्हें कदापि क्षमा नहीं कर सकता। दैत्य सेनापति राहु, प्रतिशोध की जिस अग्नि को तुम स्वार्थ की समिधा डालकर उत्तेजित कर रहे हो, उससे किसी और का नहीं तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। भगवान शिव का आदेश मानकर हमें विध्वंसक शक्तियों के उत्कर्ष के उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उत्कर्ष के अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए क्या आप और भाग्य विधाता शनिदेव पर्याप्त नहीं है? मैं प्रतीक्षा में नहीं, प्रहार में विश्वास करता हूँ। यदि छलिया विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देखकर उस दिन मैं भी महाराज बलि और अन्य दैत्यों की भांति अमृत की प्रतीक्षा करता तो विष्णु का कुचक्र मुझे जीवित ही नहीं रहने देता। तुम्हारे मस्तक कटने की दुर्घटना से हमें पूर्ण सहानुभूति है राहु। हम समस्त विध्वंसक शक्तियां उस समय तुम्हारे लिए गए निर्णय और चतुराई की सदा ही प्रशंसा करते हैं, किंतु देवादि देव, महादेव, शिव शंकर, दैत्य, असुर और राक्षस जाति पर सदा ही कृपालु रहे हैं। उनका आदेश मानकर यदि हम इस समय उचित अवसर की प्रतीक्षा करें तो यह अनुचित नहीं होगा राहु। आप करें प्रतीक्षा भाग्य विधाता शनिदेव, मैं तो विष्णु के संसार में अपने सर्वनाश के अभियान को निरंतर गति प्रदान करता रहूंगा। भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं आपको भक्ति के मार्ग पर जाने नहीं दूंगा। मैं अपने विध्वंसक, तामसिक और स्वार्थी शक्ति से आपके सात्विक मार्ग में भयानक बाधाएं उत्पन्न कर दूंगा। सावधान, सावधान! भाग्य विधाता शनि देव, आपका ये परिवर्तित रूप न केवल मुझे प्रिय है अपितु ये रूप हमारी मित्रता के अनुकूल है। आप स्वार्थी राहु के बहकावे में आकर उत्तेजित न हो, क्रोध का त्याग कर दे। ये क्रोध वास्तव में विनाश, सर्वनाश, द्वेष और प्रतिशोध का सूत्रधार बनता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
देवाय। आयुष्मान भवा पुत्र, आयुष्मान भवा। माता सुरुचि, यदि आपके सम्मान में मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दें। मुझ पर और अधिक पाप न चढ़ाए भक्ष रमणि, मेरे अपराधों को अपनी विशाल हृदय माता की भांति क्षमा कर दे। हे कंपिला के महान प्रजावासियों, मेरी दुष्टता को क्षमा करें। नहीं माता सुरुचि, नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया है। हम आप सब तो निमित्त मात्र हैं, कर्ता तो वे हैं जिन्होंने अपनी कृपा से इस पृथ्वी लोक को धन्य कर दिया है। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पुत्र, पुत्र, हे भक्त शिरोमणि ध्रुव, हे महाभागवत, तुम्हें हमारे कारण बहुत कष्ट पहुंचा, हमें क्षमा कर दो पुत्र। तुम्हारे कारण आज मनुवंश का ही नहीं, इस संसार के भाग्य का उदय हुआ है, किंतु अब हमारे साथ चलकर अपना अधिकार प्राप्त करो पुत्र। आओ पुत्र। भक्त शिरोमणि महाभागवत भक्त राज ध्रुव की जय। मनुवंश और महाराज उत्तानपाद की जय। महारानी सुनीति पटरानी सुरुचि और युवराज ध्रुव की जय। भक्त शिरोमणि महाभागवत भक्त राज ध्रुव की जय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हे मनुकुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, आपकी परम कृपा के कारण मेरे परिवार पर आया भयानक संकट न केवल टल गया, अपितु हमारे पुत्र ध्रुव को अपनी अमोघ भक्ति प्रदान करके आपने न केवल हमारे कुल को अपितु इस पृथ्वी लोक को भी धन्य कर दिया। आपकी जय हो श्री विष्णु, आपकी कोटि कोटि जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो नारायणाय, भक्तराज ध्रुव की जय हो। क्षमा करें महाराज, पृथ्वी लोक को अपनी अमोघ भक्ति से धन्य धन्य करने वाले भक्तराज ध्रुव के दर्शन पाने के लिए प्रजा व्याकुल हो रही है। महामंत्री सुदत्त, हम प्रजा की व्याकुलता का अनुमान लगा सकते हैं। श्री विष्णु के इस परम भक्त के दर्शन पाने के लिए हमारी विष्णु भक्त प्रजा निसंदेह व्याकुल हो रही होगी। चलें, हम सभी राजसभा की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए। भक्तराज ध्रुव की जय। 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 पुत्र ध्रुव, तुम्हारी भक्ति के कारण मनुकुल का गौरव संसार में अनंत काल तक स्थापित रहेगा। कंपिला के जास सिंहासन पर विराज कर हम सभी को धन्य करो भक्त शिरोमणि। इस सिंहासन पर आप विराजे पिताश्री, मैं तो स्नेह पूर्वक आपकी गोद में बैठने का अधिकारी हूँ। आओ पुत्र। क्षमा करें पिताश्री, आपकी गोद में बैठने का जितना अधिकार मेरा है उतना ही भ्राता उत्तम का भी है, उन्हें भी मेरे साथ अपनी गोद में बिठाइए। अवश्य पुत्र, आओ। आइए, आप भी आइए। कंपिला सम्राट, विष्णु
कृतिकार का आराधना।